Hello students, we are again with a new chapter, that is Mendel's Law of Inheritance. Mendel's Law of Inheritance. Mendel's Law of Inheritance का मतलब ये है कि मेंडल ने हमें इनहेरिटेंस के बारे में बताया था. What is inheritance? इनहेरिटेंस का मतलब जो हमें हमारे एंसेस्टर से मिलता है, दैट इज नोन एज इनहेरिटेंस. तो इनहेरिटेंस के लिए सबसे पहले हमें एक वर्ड समझना पड़ेगा, दैट इज हेरिडिटी. हेरिडिटी का मतलब होता है आनुवंशिकी. जो कैरेक्टर्स जो ऑफस्प्रिंग पेरेंट्स से जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं, दैट इज हेरिडिटरी कैरेक्टर्स. और इन्हीं हेरिडिटरी कैरेक्टर्स के कारण से ह्यूमंस गिव बर्थ टू बेबीज. कैट प्रोड्यूसेस किटन्स, डॉग प्रोड्यूसेस पपी. सेम टू सेम स्पीशीज प्रोड्यूस होती है. एंड द ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ दीज इनहेरिटेंस कैरेक्टर इज नोन एज जेनेटिक्स. तो इन्हीं ये जो चैप्टर है हमारा, ये इसी कॉन्सेप्ट पर बेस है कि व्हाट इज़ हेरिडिटी, व्हाट इज़ इनहेरिटेंस, किस तरह से कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं. और इसके बारे में हमें सबसे पहले मेंडल ने बताया था. दैट इज़ व्हाई मेंडल इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स. उसे हम बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स. तो जेनेटिक्स मतलब ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. और ये चीज़ हमें मेंडल ने बताई थी, इसलिए मेंडल को बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स. लेकिन जब मेंडल ने ये चीज़ बताई थी तो उस समय उसे इतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली थी. और फिर उसने जो लॉज दिए उनको वापस से रीडिस्कवर किया गया. तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो साइंस है उसमें जेनेटिक्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है और काफ़ी पुराने टाइम से ये कॉन्सेप्ट चला आ रहा है. तो हेरिडिटरी में कैरेक्टर्स में हम उन्हीं कैरेक्टर्स को कंसीडर करते हैं. नाउ मेंडल के बारे में अगर हम देखें उसके लाइफ हिस्ट्री के बारे में, सॉरी इट इज ई मेंडल. तो मेंडल्स लाइफ हिस्ट्री कंसिस्ट ऑफ मेंडल वर्क इन द रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स. ही वॉज बॉर्न ऑन 22nd ऑफ जुलाई 1822. कहाँ पर हुआ था ये? मेंडल का जो बर्थ था वो एक विलेज मोरविया, जो कि अभी चेकोस्लोवाकिया में है, वहाँ पर हुआ था. और फिर वहीं पर ही उसकी जो फैमिली थी, इट बिलोंग्स टू गार्डनर, एक माली के घर में उसका बर्थ हुआ था. उसके बाद में उन्होंने अपनी स्टडी करी एंड लेटर ऑन दे स्टार्टेड वर्किंग एज अ प्रीस्ट इन द चर्च इन ब्रूनो सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया. वहाँ पर उनको ग्रीगर की उपाधि दी गई. इट इज़ अ ऑनरेबल टाइटल. तो जब ये प्रीस्ट का काम कर रहे थे तब इन्हें ग्रीगर की उपाधि दी गई. उसके बाद में मेंडल जो है वो वियना चले गए और वहाँ जाकर के उन्होंने अपनी स्टडी करी. तो दे स्टडी मैथमेटिकल एंड नेचुरल हिस्ट्री वहाँ की यूनिवर्सिटी में. 3 साल तक उन्होंने वहाँ पढ़ाई करी. और फिर जब ये वहाँ से वापस से लौटे तो यहाँ पे जो उन्होंने स्टडी करी थी वो उनकी जेनेटिक्स में बहुत ज़्यादा काम आई. फिर ये वापस जब ब्रूनो में आए तो उन्होंने एज अ टीचर वहाँ पर वो अपॉइंट हुए और एक टीचर की तरह उन्होंने मॉडर्न स्कूल में काम किया. और उसके बाद में जब वो टीचिंग कर रहे थे तो करते करते ही उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स करे. और एक्सपेरिमेंट्स किस पर करे? गार्डन पी, जो मटर हम लोग खाते हैं उसी मटर पर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स करे. देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट ही प्रेजेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर ऑफ इनहेरिटेंस. उस समय जीन वर्ड यूज़ नहीं आता था और उसकी जगह पर उन्होंने जो वर्ड यूज़ किया था दैट वॉज फैक्टर. तो उन्होंने क्या बताया कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इनहेरिट होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, और ये ही फैक्टर जो होते हैं ये कैरेक्टर्स को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में
ट्रांसफर होते हैं, जिसे हम आज जीन्स कहते हैं। मेंडल यूज द वर्ड फैक्टर फॉर देम। उसके बाद में उन्होंने इस पर काम करते करते अपनी रिसर्च करी और 1866 में उन्होंने अपना जो भी वर्क था वो सारा पब्लिश किया। और उनका जो वर्क था उसकी जो रिसर्च थी उसका टाइटल जो उन्होंने दिया था दैट वाज एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। इस टाइटल से उनका वर्क पब्लिश हुआ था, एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये कि उनका जो वर्क था वो इस टाइटल से उस समय पब्लिश हुआ था, एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। और ये किस में पब्लिश हुआ था? वहाँ की जो सोसाइटी थी उसकी एक एनुअल मैगजीन में। अच्छा, ये जो वर्क था जर्मन लैंग्वेज के अंदर पब्लिश हुआ था। और फिर उसके बाद इसी के आधार पर ही उनका जो ये रिजल्ट इंटरप्रेट हुआ था मेंडल का, उसी के आधार पर ही कुछ प्रिंसिपल्स उन्होंने दिए थे जिन्हें बाद में मेंडलिज्म कहा गया। मतलब जो उनका जो वर्क था दैट वाज केम विद अ वर्ड मेंडलिज्म। दिस रिसर्च वाज नॉट कंसीडर्ड बाय एनी अदर साइंटिस्ट फॉर अबाउट 34 ईयर्स। उन्होंने ये काम करा और छोड़ दिया। उसके बाद इस वर्क पर किसी दूसरे साइंटिस्ट ने काम नहीं किया था। देन 34 ईयर्स के बाद इस पे जो वर्क मेंडल ने किया था उसी वर्क को आगे कंटिन्यू किया गया कुछ साइंटिस्ट के द्वारा। एंड द साइंटिस्ट वर ह्यूगो डी ब्रीज देन कैरोल कोरेंस, देन वन मोर साइंटिस्ट वॉज देयर वॉन शेरमार्क। ये तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने 34 ईयर्स के बाद मेंडल का जो वर्क था उसको वापस उठाया और उस पर फर्दर स्टडी करी। तो ये जो ह्यूगो डी ब्रीज थे ये तो थे नीदरलैंड के, देन कार्ल कोरेंस जो थे ये थे जर्मनी के साइंटिस्ट, एंड एरिक वॉन शेरमार्क जो थे ये ऑस्ट्रिया के साइंटिस्ट थे। इन्होंने वापस से मेंडल के जो मतलब अपना जो काम किया तब उस समय उन्होंने ये कॉन्क्लूजन निकाला कि जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट्स करे थे वो लगभग सही थे। उसी तरह का रिजल्ट इन साइंटिस्ट के वर्क से इंटरप्रेट हुआ और इनके काम करने के बाद इनके रिजल्ट के बाद में ही मेंडल के वर्क को पहचाना गया, रिकग्नाइज हुआ वो वर्क। और ये सारा काम जब हुआ था तब तक मेंडल की डेथ हो चुकी थी। तो आफ्टर दिस मेंडल वर्क वॉज रिकग्नाइज एंड गिवन वैलिडिटी आफ्टर हिज डेथ इन द ईयर 1884। इस तरह से ये मेंडल की स्टोरी आती है हमारे पास। अब क्वेश्चन ये आता है कि मेंडल ने पी प्लांट पर वर्क किया तो उसने पी प्लांट को ही क्यों चूज करा। हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो ये कि जेनेटिक्स की जो बिगिनिंग है उसका श्रेय जाता है मेंडल को। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट दिए गार्डन पी पर, तो ये जो पी है सिर्फ यही क्यों सिलेक्ट करा, दूसरा कोई प्लांट क्यों नहीं सिलेक्ट किया, इसके लिए कुछ बेसिक रीजंस हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैट इज़ व्हाई डिड मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। उसने मेंडल में कुछ ऐसे स्पेशल कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व किया था जो दूसरे प्लांट में उसे उस समय ईजिली आइडेंटिफाई नहीं हो रहे थे। जैसे जो पी प्लांट होता है वो ईजिली ग्रो हो जाता है, उसको हम हमारे घर के गार्डन में भी ग्रो कर सकते हैं। तो द फर्स्ट पॉइंट दैट ही नोटिस्ड वॉज दैट इट कैन बी ग्रोन ईजिली। सेकेंड थिंग जो उसने देखी वो ये थी कि पी प्लांट जो होता है उसकी लाइफ साइकिल बहुत स्मॉल होती है, एनुअल प्लांट होता है और एक ही साल में वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर देता है। तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो ये है कि उसको जो भी कंक्लूजन निकालना है, जो इंटरप्रिटेशन निकालना है, वो एनुअली कंप्लीट होने के कारण उसकी लाइफ साइकिल जो एक साल में कंप्लीट हो जाती है तो वो अपने रिजल्ट को जल्दी जल्दी निकाल सकता है।
अगर इसकी जगह वो बाइनियल प्लांट या पेरिनियल प्लांट लेता तो उसको अपने रिजल्ट के लिए काफ़ी लंबे टाइम तक वेट करना पड़ता। तो जब उसने F2 F3 जनरेशन तक अपने रिजल्ट्स को देखा तो एनुअल लाइफ साइकिल जो है वो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल थी। तो मेंडल को सिलेक्ट करने का एक और जो इम्पॉर्टेंट रीज़न था वो ये था कि इट वॉज एन एनुअल प्लांट, इट कैन कम्प्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन अ ईयर, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। फिर उसने एक और चीज़ नोटिस करी कि जो प्लांट है, टी प्लांट है, इट इज़ बाईसेक्सुअल। बाईसेक्सुअल होने के कारण से इसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी पॉसिबल है और क्रॉस पॉलिनेशन भी पॉसिबल है। अगर वो चाहे तो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए सेल्फ पॉलिनेशन करवा सकता है और वो चाहे तो दूसरे एजेंट से क्रॉस पॉलिनेशन करवा सकता है। देन ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट मेंडल कंटेन्स 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, उसमें बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मिलते हैं। तो इससे उसके जो रिजल्ट है उसको इंटरप्रीट करने में उसको ईजी रहता है। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स से मतलब कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो एकदम जैसे अपन ने ली हाइट ऑफ प्लांट, तो हाइट ऑफ प्लांट में कुछ प्लांट्स जो है वो तो एक्सट्रीमली टॉल होते हैं और कुछ प्लांट्स जो हैं वो एक्सट्रीमली ड्वार्फ होते हैं। तो ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गया कि इस तरह से वो ईजिली आइडेंटिफाई कर सकता है। सेकेंड कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जैसे उसे लगा था पोजीशन ऑफ फ्लावर, कि फ्लावर की जो पोजीशन है वो पी प्लांट में किस तरह से होती है, इट इज टर्मिनल, टॉप पर है या एक्सिलरी है, टर्मिनल और एक्सिलरी, ये भी एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है जो पी प्लांट के अंदर ऑब्जर्व किया जाता है। देन थर्ड थिंग ही ऑल्सो नोटिस द शेप ऑफ पॉड, जो फली होती है मटर की, शेप ऑफ पॉड जो है वो किस तरह का है, इट इज़ कॉन्स्ट्रिक्टेड और फ्लैट, वो फूली हुई है या दबी हुई है, इस अकॉर्डिंग भी वो उसको कैरेक्टर के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व कर सकता है। देन ही ऑल्सो नोटिस द कलर ऑफ पॉड, कि जो फली है, जो पॉड है उसका कलर कैसा है। उसने नोटिस किया कि कुछ प्लांट्स जो हैं उनमें पॉड का कलर येलो होता है और कुछ प्लांट्स में इसका कलर ग्रीन होता है। तो इट इज़ ऑल्सो ए कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर विच इज़ फाउंड इन पीस। देन ही ऑल्सो नोटिस द शेप ऑफ सीड, मटर के जो दाने होते हैं उनका शेप कैसा होता है, राउंड होता है और राउंड के साथ में जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है दैट इज रिंकल्ड, रिंकल्ड का मतलब पिचका हुआ, दबा हुआ है। तो मटर के दाने जो है उनका शेप राउंड है या रिंकल्ड है। ही ऑल्सो नोटिस द कलर ऑफ सीड कोट, सीड के बाहर जो कवरिंग होती है जो एंटैंगलमेंट से बनती है दैट इज सीड कोट, तो वो जो सीड कोट है उसका कलर कैसा है, इट इज वाइट और ग्रे, बिल्कुल अपोजिट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। और फिर उसने नोटिस किया कलर ऑफ कॉटिलेडॉन, कॉटिलेडॉन जो है उसका कलर कैसा है, पी प्लांट में इट इज ग्रीन और राउंड, ग्रीन और येलो। तो इस तरह से ये बिल्कुल अलग कलर्स है जिसके अकॉर्डिंग वो इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकता है। तो ये जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, हाइट ऑफ प्लांट, पोजीशन ऑफ फ्लावर, शेप ऑफ पॉट, कलर ऑफ सीड, कलर ऑफ पॉट, देन शेप ऑफ सीड, कलर ऑफ सीड कोट, कलर ऑफ एंटैंगलमेंट, तो इस सब में वो इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अपने रिजल्ट को इंटरप्रीट करने में। ये कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इन सारी प्रॉपर्टीज़ के कारण ही मेंडल ने अपने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे उसके लिए पी प्लांट को सिलेक्ट किया। और इनफैक्ट इनको सिलेक्ट करने से उसको बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत बेनिफिट भी मिला और अपने रिजल्ट को वो ईजिली इंटरप्रीट कर पाए। नाउ वी विल सी सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज विच आर रिलेटेड टू स्टडी ऑफ जेनेटिक्स, जिनका हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट में जब स्टडी करेंगे तो ये टर्म हमारे लिए बार बार में आएंगे। तो उन टर्मिनोलॉजीज़ को हम स्टडी करते हैं, एक बार समझ लेते हैं कि वो सारी टर्म्स कौन कौन सी है। जैसे सबसे पहले आता है फैक्टर, फैक्टर इज इक्वलेंट टू जीन। उस समय जीन वर्ड जो है वो नोटिस में नहीं आया था और मेंडल ने जो फैक्टर जो है वो उस चीज़ के लिए यूज़ किया जो कैरेक्टर्स, जिन कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करने के लिए जो चीज़ होती है विच इज़ इक्वलेंट टू जीन, जिसे आज की तारीख में जीन बोला जाता है, मेंडल ने उसके लिए फैक्टर वर्ड यूज़ किया। तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट फ्रॉम
वन जनरेशन टू अनदर। फैक्टर्स जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट। ट्रेट का मतलब होता है कैरेक्टर। ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करने के लिए जो सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए मेंडल ने जो वर्ड यूज किया था इट वॉज फैक्टर। देन सेकेंड इज जीन। वॉट इज जीन? ये हमारे लिए बार बार में यूज आने वाला वर्ड है जीन। तो जीन जो है वो डीएनए का एक पर्टिकुलर सेगमेंट है। इफ दिस इज डीएनए देन उसका एक पर्टिकुलर सेगमेंट जो कि किसी भी इनहेरिटेंस के लिए या किसी पर्टिकुलर ट्रेट के इनहेरिटेंस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर कोई कैरेक्टर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाना है और यहाँ पर इस पेरेंट से सपोज ए ट्रेट है, एक कोई कैरेक्टर है ये पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाएगा, तो इस कैरेक्टर के लिए जो डीएनए का पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज जीन। सो हम कह सकते हैं कि इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। व्हाट इज जीन? इट इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस। इसी के कारण ही इनहेरिटेंस होगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस किसका? एक पर्टिकुलर ट्रेट या पर्टिकुलर कैरेक्टर। तो जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग और इनहेरिटेंस ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट और फीचर। देन द नेक्स्ट इज एली। व्हाट इज एली? एली जो है वो टू और मोर कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म ऑफ अ पर्टिकुलर जीन। कोई भी जीन है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म है उसे हम बोलते हैं एली। जीन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्चुअली हम अल्फाबेट लेते हैं। जैसे पी प्लांट है, अब पी प्लांट में शेप जो है उसको डिटरमाइन करने के लिए हम दो अल्फाबेट यूज करते हैं, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। यहाँ कैपिटल आर जो है वो राउंडनेस को इंडिकेट करता है और स्मॉल आर जो है वो रिंकल्ड शेप को इंडिकेट करता है। तो ये इन दोनों अल्टरनेटिव फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए ये दोनों जो है वो क्या बता रहे हैं हमें? शेप। लेकिन इनके अल्टरनेट कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए जो अल्फाबेट हम यूज करते हैं दे आर नोन एज एली। दीज आर राउंड एंड रिंकल्ड कैरेक्टर जीन्स एंड आर नोन एज एलीस और द फॉर्म ऑफ जीन एंड दे आर डिटरमाइनिंग द शेप। तो किसी भी जीन के कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म जो भी उसके ऑल्टरनेट फॉर्म जो अवेलेबल है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज एली। देन नेक्स्ट वर्ड इज ट्रेट। ट्रेट किसे कहेंगे? तो ट्रेट का मतलब होता है द कैरेक्टर और फीचर विच एक्सप्रेस इन इंडिविजुअल। कोई भी कैरेक्टर या कोई भी फीचर जो किसी भी ऑर्गेनिज्म में विजिबल है विच वी कैन सी, जैसे टॉलनेस हो सकता है, जैसे कलर ऑफ फ्लावर हो सकता है, जैसे कोई भी उसका शेप हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें जो हमें ईजिली विजिबल है दे आर नोन एज ट्रेट। नाउ द नेक्स्ट इज डोमिनेंट कैरेक्टर। नेक्स्ट वर्ड विच वी विल यूज इज डोमिनेंट कैरेक्टर। व्हाट इज डोमिनेंट कैरेक्टर? तो दोनों जो अपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म हमें एलील में मिलते हैं इनमें से जो फॉर्म F1 जनरेशन में अवेलेबल होता है जिसके कारण F1 जनरेशन में विजिबल होने वाला कैरेक्टर होता है दैट इज नोन एज डोमिनेंट कैरेक्टर। तो वन ऑफ द टू अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कैरेक्टर विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन। कोई भी फॉर्म विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन, जो कैरेक्टर अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस कर पाता है दैट कैरेक्टर इज नोन एज डोमिनेंट कैरेक्टर। जैसे अपन ने कोई पी प्लांट लिया जिसके एलीड हैं टी टी फॉर लेंथ,
ये जो टी थ्री कैरेक्टर है ये पेरेंट्स में मिल रहे हैं और ये उसकी लेंथ को इंडिकेट कर रहे हैं। अब हमने इनमें रिप्रोडक्शन करवाया और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुई और उन ऑफस्प्रिंग में हमें ये वाला फैक्टर, ये वाले जो एलील है ये विजिबल है। तो ये जो दोनों कैरेक्टर है ये लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर कैपिटल टी, कैपिटल टी प्रेजेंट होता है तो वो प्लांट जो है वो टॉल होगा, ड्वार्फ नहीं होगा। F1 जनरेशन में यहाँ पर टॉलनेस विजिबल है तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया। डोमिनेंट का मतलब होता है हावी होना, तो यहाँ पर शॉर्टनेस या ड्वार्फनेस पर जो उसकी लंबाई है, टॉलनेस वाला जो कैरेक्टर है वो उस पर हावी है, यानी कि शॉर्टनेस को दबाते हुए या ड्वार्फिज्म को दबाते हुए सारे प्लांट्स जो हैं वो F1 जनरेशन में अगर टॉल होते हैं तो उस कैरेक्टर को बोला जाता है डोमिनेंट कैरेक्टर। यानी डोमिनेंट कैरेक्टर क्या हो गया, द कैरेक्टर विच इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन, दैट इज नोन एज डोमिनेंट कैरेक्टर। Then next is recessive character. अब recessive character क्या होगा? जब dominant character present है तो जो character अपने आप को express नहीं कर सकता है that is known as recessive character. इसको एक छोटे से example से समझ सकते हैं कि एक class में teacher ने एक question पूछा और उस question को 5 में से 3 बच्चों ने जवाब दिया। 2 बच्चों को आता था लेकिन वो उन 3 बच्चों के सामने अपना आंसर एक्सप्रेस नहीं कर पाते। 2 दे नो द आंसर बट दे आर नॉट एक्सप्रेसिंग इट। तो इसी तरह से रिसेसिव कैरेक्टर वाले जो एलील है वो F1 जनरेशन में प्रेजेंट है लेकिन डोमिनेंट कैरेक्टर की प्रेजेंस में वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, दैट कैरेक्टर इज नोन एज रिसेसिव कैरेक्टर। डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन दोनों प्रेजेंट हैं और दोनों जो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है दैट इज डोमिनेंट कैरेक्टर। और F1 जनरेशन में इस डोमिनेंट कैरेक्टर की प्रेजेंस में जो कैरेक्टर, जैसे यहाँ पर ड्वार्फनेस, ड्वार्फनेस जो है वो इस टॉलनेस की प्रेजेंस में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं तो दैट कैरेक्टर इज नोन एज रिसेसिव कैरेक्टर। नाउ द नेक्स्ट टर्म विच इज यूज्ड इन आवर जेनेटिक्स इज जीनोटाइप। जीनो एंड टाइप, जीनोटाइप का मतलब किसी भी कैरेक्टर का अपन जेनेटिक सीक्वेंस जो लिखते हैं और वो सीक्वेंस जो कि उसे उसके पेरेंट्स से मिला है। द जेनेटिक सीक्वेंस और द सीरीज ऑफ एन इंडिविजुअल विच इज रिसीव फ्रॉम द पेरेंट इज नोन एज जीनोटाइप। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा कैपिटल आर कैपिटल आर, यानी कि ये जो सीड है ये होंगे राउंड। अगर मैंने लिखा स्मॉल आर स्मॉल आर, तो स्मॉल आर जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जो सीड होंगे ये होंगे रिंकल्ड। हमने देखा था कि पीज में अपोजिट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मिलते हैं, बाहर से देखने पर हमें एक सीड राउंड दिखता है और एक सीड रिंकल दिखता है, तो ये उनके कौन सा जीन एक्सप्रेस कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो जीनोटाइप जो है वो उनके सीक्वेंस है किसी भी जीन का जो एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है और उसी के कारण से ही वो कैरेक्टर विजिबल होता है। तो ये जीनोटाइप मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलील ऑफ अ जीन। देन इसी तरह से आता है फीनोटाइप। फीनोटाइप का मतलब जो कैरेक्टर बाहर से विजिबल होते हैं, बाहर से देखने पर हमें ये सीड राउंड दिख रहा है और रिंकल्ड दिख रहा है, तो दैट इज फीनोटाइप। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल दैट इज एक्सप्रेस इज नोन एज फीनोटाइप। कोई प्लांट है, ये प्लांट हमें टॉल दिख रहा है, अब इसका जो जीनोटाइप है वो होगा कैपिटल टी कैपिटल टी। जब भी कैपिटल अपने आप में प्रेजेंट होता है तो उस केस में डोमिनेंट कैरेक्टर ही विजिबल होता है। अगर एलील में एक भी टर्म जो है वो कैपिटल होगी देन द डोमिनेंट कैरेक्टर विल प्रिवेल। तो यहाँ पर अगर ये प्लांट हमें टॉल दिखता है, टॉल नज़र आता है, दैट मीन्स इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो डोमिनेंट कैरेक्टर में यहाँ इसका जीनोटाइप अगर हम लिखेंगे तो इट कैन बी कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों ही कैपिटल हो, अगर एक भी कैपिटल होगा तो भी डोमिनेंट कैरेक्टर प्रिवेल करेगा। तो इनका जीनोटाइप तो ये हो जाएगा, लेकिन फीनोटाइप, फीनोटाइप मतलब हमें बाहर से ही देखने पर पता चल रहा है कि दिस प्लांट इज टॉल एंड नॉट ड्वार्फ।
तो बाहर से जो कैरेक्टर विजिबल होता है दैट इज नोन एज फिनोटाइप। इंटरनली उनका टॉलनेस के लिए जो जेनेटिक सीक्वेंस है दैट इज जीनोटाइप। तो ये बन जाता है इसका जीनोटाइप। दोनों अपोजिट होते हैं, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। जीनोटाइप इज द सीक्वेंस ऑफ इंडिविजुअल विच इज रिसीव फ्रॉम द पेरेंट एंड फिनोटाइप इज द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल। अब यहाँ पर जीनोटाइप के केस में हमारे पास दो सिचुएशन आती है। फर्स्ट सिचुएशन, उनका जो अरेंजमेंट है वो सेम हो सकता है, या दूसरा केस ये हो सकता है कि दोनों जो एलील है वो अपोजिट है। अगर दोनों एलील सेम होते हैं देन इट इज नोन एज होमोजाइगस। होमो का मतलब होता है सेम, तो ऐसे एलील को बोलते हैं होमोजाइगस। और इस केस में यहाँ प्लांट टॉल है लेकिन इनका जो जेनेटिक सीक्वेंस है वो डिफरेंट है, एक कैपिटल है और एक स्मॉल है। तो यहाँ पर इनका जो जेनेटिक सीक्वेंस होता है वो डिफरेंट होने के कारण दिस इज नोन एज हिट्रोजाइगस। हिट्रो का मतलब होता है अलग अलग। तो इनका जीनोटाइप किस तरह का होता है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास दो और नए टर्म आते हैं, दैट इज होमोजाइगस एंड हिट्रोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब होता है बोथ द एलील ऑफ अ पर्टिकुलर कैरेक्टर आर सेम, देन इट इज होमोजाइगस। जैसे ये कैपिटल टी कैपिटल टी। एंड हेट्रोजाइगस का मतलब व्हेन द इंडिविजुअल हैज टू डिफरेंट टाइप ऑफ एलील फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर देन इट इज नोन एज हेट्रोजाइगस। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज पेरेंट जनरेशन। का मतलब द जनरेशन इन विच द मदर एंड द फादर अंडरगो क्रॉसिंग एंड गिव राइज टू न्यू जनरेशन। जिन भी प्लांट्स को लेकर हम क्रॉस करवाते हैं, दिस इज ए प्लांट एंड दिस इज बी प्लांट, इन दोनों के प्लांट्स को लेकर हमने क्रॉस करवाया तो ये बन जाते हैं पेरेंट जनरेशन। और इनसे बनने वाली जो नई जनरेशन आती है हमारे पास वो बन जाती है F1 जनरेशन। इसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट फिलियल जनरेशन। अब इन प्लांट्स में सपोज हम वापस से क्रॉस करवाते हैं, जैसे इन्हीं प्लांट्स की हमने पोलन ग्रेन्स और इन्हीं प्लांट्स इसी जनरेशन के ही प्लांट्स जो है उनका अपन ने एग लिया और उनको आपस में क्रॉस करवाया, तो उससे जो नई जनरेशन आएगी वो कहलाएगी F2 जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी। यानी पहली पीढ़ी क्या आ गई हमारे पास यहाँ पर पेरेंट की, इनमें आपस में क्रॉस करवाने पर हमारे पास ऑफस्प्रिंग आते हैं तो वो बन जाते हैं फर्स्ट फिलियल जनरेशन। फर्स्ट फिलियल जनरेशन के प्लांट्स को अगर हम वापस क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास में F2 जनरेशन। इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। अगर F2 जनरेशन वाले प्लांट्स को क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास में F3 जनरेशन हो जाएगा। इस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। Then one more term which is commonly used is hybridization. Hybridization का मतलब the cross between the parent of two different variety. ये एक variety है और ये दूसरी variety है और इन दोनों को हमने cross करवाया आपस में, इनका reproduction करवाया, एक के pollen grains लिए और एक के egg cell लिए। तो यहाँ पर दो अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स को क्रॉस करवाने का जो मेथड होता है दैट इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। देन द नेक्स्ट टर्म इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो का मतलब होता है वन। अगर हम प्लांट सिलेक्ट कर रहे हैं क्रॉस करवाने के लिए और उनकी क्रॉसिंग के समय हम केवल एक ही पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंसीडर कर रहे हैं, हमने अभी देखा कि पी प्लांट में 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मिलते हैं जिसमें अलग अलग उनके शेप अलग हो सकते हैं, फ्लावर अलग हो सकते हैं, उनमें फ्लावर पॉट का कलर चेंज हो सकता है, पॉट का शेप चेंज हो सकता है। इन 7 कैरेक्टर्स में से हम 6 कैरेक्टर्स को इग्नोर करते हुए केवल एक ही कैरेक्टर को ध्यान में रखकर क्रॉस करवा रहे हैं। हमने प्लांट सेलेक्ट करा तो हमने ये नहीं देखा कि उस फ्लावर में सीड कैसे बन रहे हैं या उनका शेप कैसा है या उनकी पोजीशन कैसी है, हमने केवल ये चीज़ देखी कि वह प्लांट टॉल है या ड्वार्फ है। हाउ
हमने यहाँ पर केवल उन फ्लावर की लेंथ को कंसिडर किया। तो ऐसे क्रॉस जिसमें हम केवल प्लांट की एक ही कैरेक्टर को कंसिडर करते हुए क्रॉस करवाते हैं, दैट इज नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। द क्रॉस विच इज मेड बाय कीपिंग इन माइंड ओनली वन कैरेक्टर एट अ टाइम इज नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और इसकी जगह अगर हम दो कैरेक्टर को कंसिडर करते हैं तो वो बन जाता है हमारे डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाई का मतलब होता है टू। अब हम फ्लावर की लेंथ तो देख रहे हैं, हम साथ में ये भी देख रहे हैं कि उसके जो सीड है वो राउंड है या रिंकल्ड है। बाकी सारे जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो फाइव दूसरे कैरेक्टर्स हैं, उनको हम इग्नोर करते हैं। और हम जब क्रॉस करवाते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि एक प्लांट जो हमने लिया वो टॉल भी है और उसके सीड राउंड है, दूसरा प्लांट जो हमने लिया बी प्लांट वो डॉर्फ है और उसके सीड रिंकल्ड है, और उन दोनों प्लांट्स को हमने क्रॉस करवाया। और उसके बाद में ये देखा कि जो आने वाली जनरेशन है, ऑफस्प्रिंग है, उसमें F1 जनरेशन में जो नए प्लांट्स आते हैं वो टॉल होते हैं या डॉर्फ होते हैं और उनके सीड कैसे होते हैं। तो हमने यहाँ पर दो कैरेक्टर को कंसिडर किया, इसलिए ये क्रॉस बन जाता है डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो द क्रॉस विच इज मेड बाई कीपिंग इन माइंड टू कैरेक्टर्स एट अ टाइम इज नोन एज डाईहाइब्रिड क्रॉस। ये कुछ बेसिक टर्म्स थी जो हमारे आगे की जो फर्दर स्टडी है, हम ये जो मेंडल के एक्सपेरिमेंट स्टडी करेंगे उनमें यूज़ आएगी।